तिहाड़ विधायक हाजी नासिर कुरैशी ने विधानसभा सत्र के दौरान लगातार जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। विधायक हाजी नासिर कुरैशी ने मुरादाबाद काशीपुर मार्ग की शीघ्र मरम्मत करने, भोजपुर में कन्या डिग्री कॉलेज की स्थापना करने, बिजली विभाग द्वारा बिजली चेकिंग के नाम आम जनता का उत्पीड़न करने, पीतल कारोबारियों को बिजली में छूट, मुरादाबाद के पीतल एक्सपोर्टर्स की समस्याओं को हल कराने, प्रधानमंत्री आवास योजना में चयनित अपात्रों पर कार्रवाई कर पात्रों को उनका हक दिलाने समेत कई मांगे रखी हैं। % हिस्सा शहर का लगा है महोदया, देहात में ग्राम पीपलसाना एक गांव पड़ता है जहां पर काफी समय से उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है लेकिन काफी टाइम से वो चालू नहीं हुआ। तो मैं मांग करता हूं कि उप स्वास्थ्य केंद्र जो काफी टाइम से वहां बना हुआ है उसको चालू करने का काम किया जाए, क्योंकि महोदया तमाम ही वहां की ग्रामीण परेशान है और उनको बहुत दूर जाना पड़ता है। तो साथ ही उसके बराबर से ही नगर पंचायत भोजपुर पड़ता है जहां पर मैंने पूर्व में भी मांग की थी कि वहां एक कन्या डिग्री कॉलेज की बहुत ही आवश्यकता है। तो महोदया मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि वहां पर एक कन्या डिग्री कॉलेज बनना चाहिए। तो महोदया मेरा देहात विधानसभा 27 का जो शहर का हिस्सा आता है वहां पर मुरादाबाद जो है एक पीतल नगरी का शहर है और पीतल का वहां पर बहुत बड़ा कारोबार है जो कि तमाम ही वहां पर बड़े नजदीक नजदीक मोहल्ले हैं जैसे कि लाल बाग, जामा मस्जिद, बारादरी, कच्चा बाग और इस तरह से मुफ्ती टोला, सभी इस तरह से मोहल्ले हैं नजदीक नजदीक जहां पर हाथ के दस्तकार वहां पर काम करते हैं, बर्तन पीतल के बर्तन की रगड़ाई छिलाई पॉलिश और ढलाई का काम होता है जो कि वहां पर तमाम ही मोहल्लों के अंदर दस्तकार ये काम करते हैं। आजकल वहां पर इतनी भारी एक समस्या बिजली की चल रही है कि तमाम ही वहां छापे पड़ रहे हैं और गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, हाथ के दस्तकार हैं, अगर उनका लाइट का बिल 2 महीने भी लेट हो जाता है तो उसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है और वो परेशान रहते हैं और चेकिंग की तो कोई हद ही नहीं है कि चाहे वो रात हो या दिन हो या सुबह का कोई टाइम हो वहां लाइट की इतनी चेकिंग की समस्या है कि तमाम ही बिजली घरों में प्राइवेट लोग उन्होंने रख लिए हैं जो कि वो तमाम मुखबिरी करने का काम कर रहे हैं और विजिलेंस से फोन आता है और उनको बुला करके दफ्तर से बाहर ही उनसे वसूली करने का काम किया जाता है। तो मैं आपके माध्यम से महोदया ये कहना चाहता हूं सरकार से कि वहां पर जो उनका उत्पीड़न हो रहा है लाइट के नाम पर और चेकिंग के नाम पर उनका उत्पीड़न खत्म होने का काम होना चाहिए। मैं आपसे ये ऐसा अनुरोध करता हूं महोदया, वहां पर मेरी देहात विधानसभा 27 में